Good morning, dear students. How are you all? Very good. You know, today we all are gathered here for a special assembly of Earth Day. Let all we know how we can clean our earth and save our earth. So let's start. So dear students, there are two types of garbage. One is wet and one is dry. तो हम हमेशा two dustbins use करते हैं. One is green dustbin and one is blue dustbin. So जो हमारा green garbage है, green जो हमारे manure है, वो हमारे trees के लिए बहुत ही useful है. But जो हमारा dry garbage है, जिसको हम blue dustbin में डालते हैं, वो बहुत ही harmful है हमारे earth के लिए. Okay? See, yes or no? Very good. So, जो हमारा wet garbage है, वो उसमें हमारे क्या-क्या चीजें आती हैं? उसमें हमारे आते हैं leaves, kitchen waste, जो आपके मामा किचन में सब्जी काटते हैं, आप बनाना खाते हो, एप्पल खाते हो, ऑरेंज खाते हो, उसके जो peels होते हैं ना, जो छिलके उतारते हैं, वो आते हैं, और ये मिट्टी है, ये all these things जो है हम ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए यूज करते हैं. और ये जो हमारे होते हैं ना प्लास्टिक वाली चीजें हैं, लाइक दिस बॉटल्स, लाइक दिस थर्मोकोल, दिस प्लास्टिक एंड दिस फॉयल पेपर. मैम हमेशा आपको मना करती है कि फॉयल पेपर में आपने खाना नहीं लेके आना, बोलते हैं ना मैम, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ के लिए अच्छा नहीं है. ओके तो ये सब जो चीजें होती हैं ये हम डालते हैं ब्लू डस्टबिन में, राइट? आप सबको एनर्जी के लिए, खेलने के लिए, भागने के लिए, आप रोज क्या खाते हो? फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल्स, चपाती, राइस, दाल, वाओ. तो वो आप क्यों खाते हो? ताकि बड़े 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 हो जाओ, इसीलिए खाते हो ना, और आपको एनर्जी भी आ जाए खेलने के लिए, राइट? तो इसी तरह से जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे ट्रीज हैं, उनको भी बड़ा होने के लिए, उनको भी बड़ा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? जैसे वाटर, आप भी पानी पीते हो, ठीक है, वाटर बॉटल्स भी लेके आते हो, तो ट्रीज़ के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी होता है. तो उनको वो वाटर कहाँ से मिलता है? नीचे से, पानी जो वो ज़मीन से ले लेते हैं. जो हम गमलों में प्लांट्स लगाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं, उनको हम खुद वाटरिंग करते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ इनके लिए ज़रूर होती है सनलाइट. सनलाइट जो हमें सन से मिलती है, हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड आर अर्थ. बट ये सब चीज़ों के साथ साथ, जैसे आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चपाती, राइस, दाल आपके लिए ज़रूरी है, वैसे ही ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए एक मैन्योर बनता है, ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं, एक खाद बनती है, वो हम इन प्लांट्स में और ट्रीज़ में डालते हैं. तो उसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हम ये लीव्स लेते हैं, ठीक है, और ये लीव्स को हम इसमें डाल देते हैं, राइट? उसके बाद जो आपका मामा किचन में, ये देखो, ये सारा मेरा किचन वेस्ट है, इसमें ये मैंने लीव्स डाले हैं, ये मैंने ऑरेंज के पील्स हैं, ये पोटैटो के पील्स हैं, राइट? ये जो आप सबने बनानास खाए थे, ये बनाना के पील्स हैं, तो मैंने ये सब इसमें डाल दिया, ठीक है? अब इसके ऊपर मैम क्या डालेंगे? अब इसके ऊपर मैम ये सॉइल, मिट्टी, ये मैंने ऐसे मिट्टी के एक लेयर बना देनी है इसके ऊपर, राइट? फिर हमने इसको रख देना है, और फिर इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे लीव्स. लीव्स के बाद मैम क्या डालेंगे इसमें? टेल मी. वेरी गुड, यस. इसके बाद मैम डालेंगे किचन वेस्ट, राइट? किचन वेस्ट में बनाना पील्स, टोमेटो पील्स, पोटैटो पील्स, ऑरेंज पील्स, एवरीथिंग. आफ्टर दैट मैम इसमें क्या डालेंगे? ये सॉइल, मिट्टी. मैम ने इसमें मिट्टी डाल दी. अब ये इसमें हम वाटरिंग नहीं करेंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, राइट? अब हमने इसको पूरा फिल करके, हमने इसको अच्छे से कवर करके ऐसे रख देना है थोड़े दिनों के लिए, 30 डेज के लिए. और उसके बाद पता है ये सब जब मिल जाएंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे,
सब, तो इनका क्या बनेगा? उसके लिए, उसके बाद ये हमारे ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल एक मैन्योर तैयार हो जाएगी, जो कि हम ट्रीज में डालेंगे और वो बहुत ही फिर हेल्दी होंगे, उनके ऊपर वेजिटेबल्स भी अच्छी आएंगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो आप सब बच्चे भी अपने अपने घर में छोटे छोटा सा एक प्लांट लगाना, ठीक है? कोई भी वेजिटेबल का मम्मा को बोलना, प्लांट लगाना, और मम्मा को बोलना, मम्मा आप जो भी किचन में पील करते उसको फेंकना नहीं है, उसको एक डस्टबिन में डालो, हम उसकी, आज मैम ने बताया था, हम एक मैन्योर बनाएंगे, उसके खाद बनाएंगे, ओके? तो आप सब बच्चे भी करोगे ऐसे ही? वेरी गुड। सो हम इस तरह से अपनी अर्थ को सेव भी कर सकते हैं, उसको क्लीन भी करेंगे, और हम ऐसे मैन्योर बना के खुद की प्लांटिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेडी करके हम इसे ऑर्गेनिक अपनी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं और फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ओके? थैंक यू।